नमस्कार दोस्तों, होम किचन विक्सम प्रचलन में आप सबका स्वागत करते हैं। आज मैं बनाई हूँ मिर्ची की पकौड़ा। देखिए दोस्तों कितने सुंदर लग रहे देखने में, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए ये मिर्ची की पकौड़ा बनाने के बाद हमारी आलू की मसाला और जो बेसन का घोल है जो बच गया था उसमें मैं बनाई हूँ आलू की पकौड़ा। देखिए ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। देखिए सबसे पहले ले लिया मैंने बेसन, तो इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और थोड़ा सा मीठा सोडा, ये खाने वाला सोडा है थोड़ा क्रंची बनाने के लिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो अब मैं डालूंगी इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इसमें पानी और इसका एक बैटर बना लूंगी, ना गाढ़ा और ना पतला। देखिए ऐसे करके बना लूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। देखिए मैंने बेटर जो बनाई थी देखिए रेडी हो चुकी है। देखिए ऐसे करके, तो अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब देखिए मैंने ले लिए आलू, ये बॉयल करी हुई आलू है तो इसको मैंने छील लिए। अब मैं इसको हल्का हल्का छोड़ दूँगी। देखिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने तेल भी डाल दिए 2 से 3 चम्मच के। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरा हमारे जब भून जाएंगे फिर मैं डालूँगी इसमें मसाला। देखिए ये हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और गैस का फ्लेम हमारी इसमें धीमी नहीं है। देखिए अब मैं आलू डाल दूंगी इसको इसमें डाल के मैं हल्का सा इसको भून लूंगी। ये देखिए मैं डाल रही इसमें स्वाद अनुसार नमक। ग्रीन चिली काट के मैंने इसमें डाल दिए, इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें आधा नींबू का रस। देखिए ये चटपटा बनेंगे थोड़ा इसलिए, तो इसके बदले में आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो जिसको खटाई कहते हैं उसको भी डाल सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ते, मैं इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम जो है मैं बंद कर दूंगी, उसको थोड़ा ठंडा कर लूंगी मैं। ये देखिए मैंने अब ले लिए मिर्ची। देखिए ये बड़ा वाला मिर्ची है, तो इसको मैंने अच्छे से धो के मैंने पोंछ भी लिया। देखिए अब मैं इसके बीच में से इसको कट करूंगी। देखिए ऐसे करके बीच में से कट करके इसके अंदर जो मिर्ची के अंदर जो इसके अंदर मिर्ची के अंदर जो बीज होती है आप चाहे तो इसको निकाल सकते हो या फिर ना भी चाहे तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये तीखा नहीं होती बिल्कुल भी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिए। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें देखिए ये आलू का जो मैंने स्टफिंग बना के रखी थी, देखिए ये मैं डाल दूंगी थोड़ा सा। देखिए अच्छे से अंदर तक घुसा दूंगी। देखिए खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करिए और बनाइए और मुझे बताइएगा जरूर कैसे बनाई आपने। देखिए ये जो बेटर बना के रखे थे हमने, देखिए ऐसे हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये मिर्ची को देखिए डाल दूंगी, डाल के अब मैं इसके ऊपर अच्छे से बेसन का कोटिंग होना चाहिए। देखिए ऐसे होना चाहिए। देखिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी, हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी है और उसमें मैंने तेल भी डाल दिया, तो इसको मैं डीप फ्राई करूँगी तो इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ। तो देखिए अब मैं इसमें एक एक करके
मिर्ची डाल दूंगी। देखिए साइड में हमारी जगह है तो इसलिए मैं इसके साइड में और एक मिर्ची रख दूंगी, और उधर भी साइड में थोड़ा सा जगह है तो इसमें और एक मिर्ची रख दूंगी। इसको धीमी आंच में थोड़ी देर में पकाऊंगी। देखिए मैंने इसको एक साइड हो गए तो मेरे दूसरी साइड इसको पलट दिए, देखिए। और ये देखिए कितनी सुंदर बन रही है, देखिए दोस्तों। तो इसको आप हरी धनिया की चटनी या सॉस टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हो, या फिर ऐसे ही खा सकते हो, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। या फिर सुबह या शाम की चाय में आप इसको खा सकते हो, ये और भी मज़ेदार बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितने सुंदर बन रहे हैं। तो अब मैं इसको एक एक करके कढ़ाई से निकाल लूँगी। ये देखिए दोस्तों हमारी ए वाला पकौड़ी जो है रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। देखिए अब दूसरी में डाल दी हूँ फिर से पकौड़ी। देखिए इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, देखिए कितनी सुंदर बन रही है। तो अभी अपने घर में बनाइए, खाइए और मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे बनाइए आपने, और ठंडी में ऐसे खाना भी चाहिए। देखिए मेरी जो आलू की जो मसाला था वो बच गया था, तो उसको देखिए मैंने बेसन में डाल दिए गोल गोल करके, और अच्छे से बेसन में लिपट के मैं तेल में डाल दे, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। ये बन जाएंगी मेरी आलू की पकौड़ा, ये भी खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो दोनों पकौड़ा जो है हमारी रेडी हो चुकी है, दोनों टाइप का पकौड़ा हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों कितने सुंदर लग रहे देखने में। तो ये पकौड़ा जो है ये बच्चे के लिए थोड़ा सही रहेंगे, क्योंकि वो मिर्ची की पकौड़ा वो बच्चे को थोड़ा मिर्ची लग जाती है। तो ये वाला पकौड़ा मैंने बच्चे के लिए बना दिया, और ये वाला पकौड़ा जो बड़े के लिए बनाया। तो कैसी लग रही मेरी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।